हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो डिजिटल फोटोकॉपियर मशीनें होती हैं कैनन कंपनीज की, उनके फिक्सिंग का मॉडल बेस जो आप देखते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अब इस तरह का हीटर यूनिट है तो ये मशीन में एग्जैक्टली ऐसे अटैच रहता है, ऐसे इसको पुश करके लगाते हैं। इधर इसके दो स्क्रू लगते हैं, एक इधर, और दो स्क्रू इधर लगते हैं, ठीक है। ये चार स्क्रू खोलने के बाद ये पूरी असेंबली, हीटर असेंबली बोल सकते हो, फिक्सिंग यूनिट बोल सकते हो, हीटर यूनिट बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली हम बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में। और अब हम अगर ये यूनिट इसको रिपेयर करना है आपको, साथ में अगर इसका क्लीनिंग करना है, इसका फिल्म चेंज करना है, ईरर कोड से रिलेटेड अगर देखा जाए, E000 ईरर कोड इसके थ्रू आता है। सेकंड थिंग, जो सेकंड ईरर कोड है E00001 002 003, यहाँ तक कि इन मशीनों में तो नहीं आता, लेकिन 004 ईरर कोड एनालॉग वाली मशीनों में आता है जो हीटर यूनिट से ही रिलेटेड रहता है। 005 ही हीटर यूनिट से ही रिलेटेड होता है और 007 भी हीटर यूनिट से ही रिलेटेड ईरर कोड है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह खोलते जाएंगे उस तरह आपको ईरर कोड का एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, बट आप गौर कीजिएगा कि हम इस यूनिट को जिस तरह खोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जब तक आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली अगर आपको ये खोलना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको किसी से पूछना ना पड़े कि मुझे हीटर यूनिट डिजिटल मशीन हुआ खोलना है तो किस तरह खोल सकते हैं, ओके। कि इस यूनिट को अगर हमें खोल के रिपेयर करना है तो किस तरह कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये रॉड जो देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, पेपर जब बाहर निकलता है, पेपर जब फिक्सिंग से परमानेंट प्रिंटेड होने के बाद जब ऊपर निकलता है तो ये हिस्सा, अगर ये रबर कमजोर रहता है, ये सारे रबर कमजोर रहते हैं तो पेपर यहां भी फंसता है, कम जीएसएम वाले पेपर यहां फंस जाएंगे। उसके लिए कंपनी ने इस मशीन को बहुत सही तरीके से मॉडिफाई किया है, इसमें प्लास्टिक के व्हील्स दिए हैं। इससे क्या मदद मिलती है कि कभी कभी ये जो रोलर है ये अगर सपोर्ट कम कर देता है तो इसके थ्रू भी पेपर आगे निकल जाता है। तो अगर आपको इसका फिल्म चेंज करना है, फिल्म में ऑयल करना है, क्लीनिंग करना है, एलिमेंट पट्टी या हीटर पट्टी चेंज करना है, लोअर रोलर चेंज करना है, तो आपको ये खोलने की जरूरत नहीं है ये हिस्सा। बट इसको खोलने का कोई अलग मतलब नहीं रहता, बट इसकी स्टेबिलिटी के लिए आप इसे खोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आसानी से यहाँ स्टेबल बना रहे, बार बार गिरे नहीं जब स्क्रू में खोलूं, उसके लिए आप इसे निकाल दोगे तो भी बढ़िया रहेगा। तो ये दो स्क्रू के साथ लगा रहता है, पहला और दूसरा, ये दोनों स्क्रू हमें खोल लेना है। मैं पूरा इसमें कोई भी एटम में कट नहीं करूंगा, आपको प्रॉपर पूरा वीडियो दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो कट करके बनाने में हम समय को देखकर वीडियो कटिंग करके बनाते हैं। अब ये यूनिट हमारा बाहर होगा, ये सिर्फ यहां से और यहां से स्क्रू के थ्रू लगा रहता है। कभी कभी हम जब जोर से इसको ऐसा पटक देते हैं तो यहां का ग्रिपर भी टूट जाता है, तो बहुत ही संभाल के, ये यूनिट तो ये महंगा है ही, साथ में इसे संभाल के वापरोगे तो ज्यादा बेटर है। और इसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, ये सब इसको अगर आप साफ करना चाहो तो थिनर अल्कोहल से साफ करो सिर्फ रबर को, और यहाँ ऑयल कर देने से क्या होगा, ये रॉड एकदम फ्री हो जाएगा, जब इसे ये घूमेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसे जितना फ्री रखो उतना बेटर है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमने निकाल दिया जो इस तरह लगा था, ओके, ये स्क्रू खोला, ये स्क्रू खोला और ये आउट हो गया। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो ये वायर्स पहले निकाल लेने का,
फ्री कर लेने का इन वायरों को। अब उसके बाद इस तरफ आने का, ये हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये लॉक करता है आपके यूनिट को। अगर ये इधर पुश हुआ तो हीटर रोलर और लोअर रोलर दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, और अगर मैं इसे खींच लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ, ये हिस्सा देखिए, अगर मैं इसे खींच लेता हूँ ये दोनों रोलर फ्री हो जाएंगे और ये आसानी से घूमता है। तो सबसे पहले मैं इसे खोलूंगा, अगर ये चीज यहां स्क्रू लगाया तो पहला स्क्रू यहां से निकाल लेने का। उसके बाद इस प्लेट का अटैचमेंट सिर्फ दो स्क्रू से होता है, पहला और दूसरा, एक टॉप में स्क्रू रहता है, पहला स्क्रू और दूसरा स्क्रू, ये दो स्क्रू खोल लेता है। ये दो स्क्रू मैंने खोल दिए। अब इसके बाद क्या स्टेप है, इसको थोड़ा मूव करने का ऐसा, क्योंकि यहाँ ये खांचा है जिसके कारण वहां बैठता है। उसके बाद इसे वापस से बैक लेने का और इसे इजिली, अगर आप ध्यान दोगे तो ये पुश आउट होके ऐसे निकल गया। ये जो चीज है ये इसके साथ ऐसे बैठता है, वापस इसे लगाना है। तो ये पहला खांचा है, ये जो इसका पहला खांचा है इसको पहले खांचे के साथ बिठाइए, ठीक है, ये ऐसे बिठा देंगे। उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ इसको पुश करके आपको इजीली इस खांचे को इसमें डाल देना है बस। ओके, वापस से इसके स्क्रू लगा दो सब कुछ, बट इसे बिठाने के लिए आपकी ये लॉक लगे रहने चाहिए, यहाँ का स्क्रू लगा रहना चाहिए। ओके, तो गलती बिल्कुल नहीं हो इसको निकालने के लिए, हमने ये भी साइड में दिया। अब सेकेंड स्टेप आता है, अब ये देखो ये हिलता नहीं, अगर ये यूनिट इसमें लगा रहता है तो बार बार ऐसा ऐसा होता है। अब और स्टेबिलिटी के लिए आप चाहो तो इसका ये होल्डर जो रहता है ये भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉपर डाउन स्टेयर, ये मैंने वायर इधर रख दिया, ये प्रॉपर बैठ गया है। अब मैं इसका अगला स्टेप, इसको कैसे खोलते हैं वो सारी चीजें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसका टॉप कैप खोल लेने का, जो इसका एक सेंसर रहता है, ये सेंसर खराब रहता है तो फिल्म सही होने पर भी आपका E007 का एरर कोड देता है। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वो इस पूरे असेंबली में बहुत बड़ा रोल करता है, है छोटा चीज लेकिन इसका रोल इस पूरे यूनिट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कभी भी गलती से तोड़ने का नहीं, ना मशीन से निकालने का, क्योंकि इसमें एक खास चीज है ब्रशिंग, जो आपके सेंसर को क्लीन करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो बार बार आपको E07 का एरर कोड देखने को मिलेगा, और वो एरर कोड आपको बहुत परेशान करता है। उसके बाद जब वो निकाल दिया कैप, तो अब ये सेंसर पीसीबी निकाल देने का। ये यहां से प्रॉपर फ्री हो जाता है, बट ये वायरिंग के कारण डायरेक्टली ऐसा नहीं खींचने का, इस प्लास्टिक के साथ एक स्क्रू लगा रहता है ये वाला। इसे भी निकाल लिया मैंने, अब इसका कुछ हिस्सा यहां भी जुड़ा रहता है, इसमें तो नहीं है, बट ये प्लेट इसको लॉक करने के लिए एक बॉक्स जैसा बना रहता है, ठीक है, उसे भी निकालना बहुत जरूरी रहता है प्रॉपर, ऐसा पुश करने का इस तरह ऐसा, और वो आराम से निकल जाएगा। अब आपका ये यूनिट इजिली ये प्लेट खुलने के लिए तैयार है। सबसे पहले इसके स्क्रू खोल लेते हैं, एक स्क्रू यहां रहता है, इस बेस को लॉक करने के लिए एक स्क्रू यहां रहता है और एक स्क्रू यहां रहता है। ये तीन स्क्रू खोलने के बाद आपका ये वाला प्लेट आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद हमको इसमें क्या करना है, हमको फिल्म चेंज करना है। अगर E07 आ रहा है तो आपको यहां का जो व्हाइट सेंसर रहता है उसको क्लीन करना है, फिल्म में ऑयल कर देना है, एरर कोड चला जाएगा।
अब इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इसके दोनों साइड के लॉक्स खोल लेने का, इसको प्रेशर लॉक कहते हैं। और ये बहुत ही खास होता है इसमें, क्योंकि इसके ही कारण आप पेपर फंसने पे इसको निकाल लेते। बट ध्यान देना, ये जो दो स्क्रू हैं, इसको गलती से भी आप कभी खोलो नहीं या लूज मत करो। जो सेटिंग जहां से आपने मशीन लिया है, वो मैकेनिक इसको प्रॉपर सेट करके रखता है। अगर ये लूज हो जाता है तो आपका ये जो प्रेशर लगता है वो खराब हो जाता है और बार बार फिल्म आपका वन साइड होके फट जाएगा। इसलिए ये लॉक कभी भी गलत नहीं हो, और कभी कम ज्यादा हो भी तो यहाँ से मार्जिन नहीं लेने का, आपको यहाँ से मार्जिन लेना है इस खांचे में से कि भाई एग्जैक्टली प्रेशर ये रहता है, तो कितना कांटा अंदर गया है, कितना कांटा बाहर है, इससे आप सेट कर सकते। ये मैंने खोल दिया। अब इसके बाद सबसे पहले इस तरफ का इसका ये स्विच निकाल देने का, कनेक्टर बोलिए स्विच बोलिए कुछ भी। ये कनेक्टर आपने निकाल दिया, उसके बाद यहाँ का कनेक्टर निकाल देने का। कनेक्टर क्यों निकाल देंगे पहले, क्योंकि यहाँ एक स्क्रू लगा रहता है जिसको हमको खोलना पड़ता है, और यहाँ एक मेटल प्लेट रहता है जिसपे लगा रहता है, उसको स्क्रू निकाल के खोल के ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री होने के बाद आप इजीली इसको बाहर ले सकते हो। सेकेंड थिंग, इस चीज का ध्यान दो, ये चीज अगर आप देख रहे हैं तो ये कभी भी आपको ऐसा नहीं खींचना है कि इसको मैं निकाल दूं, नहीं तो ये मेटल, ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है वो टूट जाता है। ठीक है, इधर क्या करने का, इस कनेक्टर को ही पूरा खींचने का, ये जो है थोड़ा इधर पकड़ लेने का, यहां तो निकला हुआ है ये ऐसे ही रहता है, इसको पकड़ लेने का और इसको बाहर करने का, ये जो ब्लैक कनेक्टर है उसको बाहर करने का, ये अपने आप, उसके बाद इजीली इसको बाहर ले लेने का। अब आप देखोगे ये प्रॉपरली वायर इसका संभाल के इसको बाहर ले लो, ये अलग हो गया। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या क्या इश्यू होते हैं जिसके कारण ये सारी समस्याएं होती है। पहला नंबर, अगर E07 आ रहा है तो इसका फिल्म का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ का होल्डर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, निकाल लिया इसको वापस से लगा दो। ठीक है, इसलिए लगा दो क्योंकि आपका एलिमेंट पट्टी अगर फिक्स नहीं है परमानेंटली प्लेट पे तो अप डाउन होगा, इधर उधर होगा, इससे अच्छा उसे एक तरफ से लॉक कर देंगे, बेटर है। अब आपको अगर फिल्म चेंज करना है इसमें तो ये पहले आप बाहर कर लो, और ध्यान दो ये वाला हिस्सा इसके अंदर से रहता है, बाहर से नहीं रहता। ये जो आप होल देख रहे हो, इस होल के अंदर ये जाता है ऐसे, उसके बाद ये ऐसा लग जाता है, उसके बाद ये लगता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे समझ सको। ठीक है, मैंने इसको आउट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, हमको फिल्म चेंज करना है। इसमें ध्यान दो, हर यूनिट में एक खास चीज होता है कि मेरा यूनिट ऐसे लगने वाला है, ऐसे लगने वाला है, कैसे भी लगने वाला, बट ये पॉइंट जिस तरफ रहता है उसी तरफ सेंसर, फिल्म का सेंसर होना चाहिए। ठीक है, हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि फिल्म का सेंसर किस तरह, अरे यार इसको इस तरफ से निकाला था, इस तरफ लगाना है, कैसा उसका व्हाइट वाला हिस्सा किस तरफ होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जिस तरफ मशीन में ये पॉइंट है, ये सेंसर पीसीबी है, उसी तरफ फिल्म फ्यूजर फिल्म का व्हाइट वाला हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके फिल्म को निकाल लेते हैं, ये हमने इसको आउट कर दिया। इसके कारण क्या क्या इश्यू आता है, कॉपी कभी कभी क्या होता है, आपका कॉपी डबल प्रिंट होके आता है, या यहां प्रिंट किया है फिर लाइट प्रिंट नीचे कर दिया है, वो सारी चीजों के कारण आपका रीजन जो होता है फिल्म ही होता है। कभी कभी कॉपी लाइट आ रहा है तो भी रीजन फिल्म भी हो सकता है, वन साइड लाइट आ रहा है, वन साइड डार्क आ रहा है। इस कंडीशन में तो मोस्टली लेजर भी फुल गारंटी के साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी प्रॉब्लम होता है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है यही है कि ये फिल्म भी कमजोर हो जाने से ऐसा होता है, पट्टी भी कमजोर, एग्जैक्टली पट्टी नहीं बोल सकते हैं बट पट्टी पे डस्ट हो जाने के कारण भी ऐसा इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। बट मोस्टली तो फिल्म का ही रहता है कि कभी कभी कॉपी आपका वन साइड लाइट आए, ऐसे कंडीशन में भी आप फिल्म चेंज कर दो, आपका इश्यू चला जाएगा।
ठीक है, ये तो हुआ फिल्म के बारे में। सेकंड थिंग एक चीज और बताऊंगा कि E07 का मतलब होता है यहाँ जो इस पे व्हाइट सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर अगर काला हो जाता है, गंदा हो जाता है तो E07 आता है। ये सेंस नहीं कर पाता है, ये खराब हो जाता है तो भी E07 आता है। आपका ये जो मोटर लगा रहता है, अगर मोटर चल रहा है बट ये गियर घिस गया है या गियर खराब हो गया है, टूट गया है, तो भी E07 आता है। ठीक है, अब इसको रख देते हैं साइड में। ये बात हो गई E07 की। अब नेक्स्ट एरर कोड है E0000। मतलब उसका मतलब होता है हमारी ये जो पट्टी है, ये हीटर पट्टी हमारी फ्यूज्ड हो गई है या खराब हो गई है, कुछ तो हो गई। अगर ये पट्टी खराब हो जाती है तो E07 का एरर कोड आता है। ओके, E07 के एरर कोड का मतलब है कि ये पट्टी खराब हो गई, ये पट्टी काम नहीं कर रही है, फ्यूज्ड हो गया है, कुछ कई सारे रीजंस ऐसे जो आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। E00 इसी का ही रिकॉर्ड है। अब अगर हम बात करें E00001 की, तो क्या होता है इसमें, ये जो देख रहे हो आप, ये और ये वायर देख रहे हैं ना, ये इधर थर्मिस्टर है इसका। ये थर्मिस्टर अगर सही तरीके से सेंस नहीं कर पाता तो भी E001 और 002 का एरर कोड आता है। E001 का एरर कोड तब आएगा जब ये काम नहीं करेगा और ये सही रिजल्ट नहीं देगा, ये स्विच, इसको थर्मो स्विच कहते हैं, या स्विच भी आप बोल सकते हो, हीटर स्विच बोल सकते हो, ये खराब हो जाता है। और तो कंटिन्यू आपका ये हीटर पट्टी हीट होते जाएगा और क्या होगा, आपका ये जल जाएगा। ये जो प्लास्टिक का प्लेट है, स्टैंड है, अलाइनमेंट स्टैंड है, हीटर पट्टी स्टैंड है, वो क्या होगा, जल जाएगा इधर से पूरा। तो रिजल्ट आपको क्या निकलेगा कि भाई आपका E00 आने लगेगा। तुरंत नहीं जल जाता बट ओवर हीट होने के कारण जब आप कंटिन्यू, आपको समझ में ही नहीं आता, अरे यार क्या करूं, बार बार मशीन चालू कर रहे हो, घंटे दो घंटे मशीन छोड़ दे रहे हो, तो ये पूरा हिस्सा जला देगा। तो आपको समझ में आया 001 002 का मतलब 001 और 002 यही दो चीजों के कारण आते हैं, ये सही काम नहीं करेंगे तो, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। 001 हाई टेम्परेचर मतलब ये स्विच जो है इसने टाइम पे सेंस नहीं किया और हीटर को बंद नहीं किया, इसलिए हीटर ने क्या किया, जितना चाहिए वैल्यू उससे ज्यादा गर्म हो गया, और ज्यादा गर्म होने के बाद क्या होता है 001 आने। 002 ये हीटर पट्टी जिस टेम्परेचर तक हीट होना चाहिए उससे कम हो रहा है तो भी कंडीशन 002 का ही रहता है। और 100% 002 का मतलब ही है कि टेम्परेचर जो इस हीटर यूनिट का है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां तक उसका तापमान मशीन में निश्चित किया गया है। 001 002 भी कहीं ना कहीं कंडीशनल इसको चेंज करने से हो जाता है, ये हीटर पट्टी अगर चेंज करो तो भी 001 002 चला जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ये स्विच का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच है, ये खराब भी होता है, उड़ भी जाता है, जल भी जाता है, बहुत सारी चीजें इसके साथ होती है। बट ये जल जाता है तो भी 000 का एरर कोड आता है, ये सही से काम नहीं करता तब भी 001 का एरर कोड आता है, ये सही से काम नहीं करता तब भी 002 का एरर कोड आता है। ओके, तो इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जैक्टली डायरेक्टली बंद हो जाए तो हमारा मशीन में एरर कोड आएगा 000, मतलब हीटर पट्टी काम नहीं करे, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेशन बनाता है आपके हीटर पट्टी को जलाने के लिए। ये पूरा सर्कुलेशन बनता है कि हाँ भाई इसमें हीटिंग करंट जाना चाहिए, बट यही खराब जब हो जाएगा तो करंट पास नहीं होगा और आपको एरर कोड आएगा 00 का। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये, एक कंडीशन में आप कभी कभी इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो किसी वायर के थ्रू, ठीक है, इमरजेंसी में आप
क्योंकि ये वायर दूसरा हमें नहीं मिलता, अगर ये खराब हो गया तो दूसरा ही हीटर यूनिट लेना पड़ता है। अगर आपका स्विच खराब हो गया आप दूसरा यूनिट चॉइस करो क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, एक और ऑप्शन अगर आप इसे चाहो तो एक वायर के थ्रू दोनों तरफ पतले वायर से जोड़ दो, ये डायरेक्ट हो जाएगा और आपका उस कंडीशन में ये दोनों चीजें सही रहेंगी तो आपका मशीन बहुत टाइम तक सही चलेगा। बट ये दोनों कमजोर रहेंगी तो फटाक से वो भी हीटर पर टूट जाएगा और या जल भी जाएगा। ओके, अब तो ये बातें हो गई सारी, अब आते E004 पे। E004 भी इसी के कारण आता है, जब ये काम नहीं करता, ये सभी मशीनों में नहीं शो करता एरर कोड, जैसे कि IR400 में शो करेगा, 6000 में शो करता है, 5000 में शो करेगा, ये सारे 405 305 30, इन सभी मशीनों में E04 का एरर कोड आता है। E04 के बाद जो एरर कोड है E05 का मतलब होता है आपका वेव रोलर जो है एस्टिमेट प्रोसेस नहीं कर रहा है, मतलब सही से घूम नहीं रहा है या बहुत ज्यादा वेस्टेज रोल कर लिया है, उसका सेंसर पट्टी टॉप पोजीशन पे चला गया है, तब E005 का एरर कोड आता है। अब अगर बात करें तो अरे भाई अब इसमें कौन सा आ गया वेव रोलर, इसमें कोई वेव रोलर थोड़ी दिख रहा है, बट मेरे दोस्तों इसमें वेव रोलर नहीं, वेव रॉड है। वेविंग मतलब होता है कवर करना, सुरक्षा देना, मतलब जो कचरा टोनर का कुछ हिस्सा बच जाता है वो आखिर कहाँ जाता है। अगर वो भी पेपर पे प्रिंट होने लगा तो भाई तो कोई भी बोलेगा अरे यार कॉपी सही नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करें, उसका मेन रीजन होता है ये रॉड, इसे वेव रॉड बोलते हैं। ये डिजिटल या फिल्म वाली सारी मशीनों में इसी तरह लगा रहता है, आप उसको मिलेगा कैनन में और रिलेटेड और सारी मशीनों में भी ये हिस्सा दिया जाता है। अब इसके बाद ये इसको अगर इसका एरर कोड है, ये बहुत ज्यादा टोनर कवर कर लिया है, बहुत गंदा हो गया है, तो इसका इशू का आएगा। अगर आपको इसे निकालना है इसके दोनों साइड दो होल्डर दिए हैं, एक होल्डर दो होल्डर, ठीक है, आपको सिर्फ वन साइड का होल्डर खोलना है, स्क्रू निकाल देने का, ठीक है, एक तरफ से खींच लेना, ऐसा धीरे धीरे बहुत ज्यादा टोनर जमा हो जाता है, ऐसे बड़े बड़े हिस्से जमा हो जाते हैं, उससे लोअर रोलर भी खराब हो जाता है और आपकी मशीन भी खराब हो जाती है। अब इसे बिठाने का तरीका अगर देखा जाए तो इधर हुक्स हैं इसके, प्लास्टिक के निकले हुए कुछ हिस्से, वो प्रॉपर उसमें बैठने चाहिए। ये दोनों खांचे में जब ये प्रॉपर बैठ जाता है, ये खांचों में, तब इसको लॉक लगा देते हैं। अब बात आती है, कभी कभी बार बार पेपर आके इसी में जाम हो जाता है, ठीक है, इसमें जाम हो जाता है तो आदमी क्या करे, बहुत परेशान होता है। मुझे बहुत सारे लोगों का बार बार मेल आता है, मैंने तो अपना मोबाइल नंबर भी रखा है YouTube पे, तो उसमें लोग मुझे फोन कर भी पर्सनल भी पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा इशू है, ये हो गया वो हो गया, क्या करूं ऐसा वैसा। तो इसका एक फाइनल जो आंसर है ये है कि भाई ये सेंसर जब खराब हो जाता है, तो इसके कारण भी एरर कोड आता है, एरर कोड क्या आएगा, पेपर जाम हो जाएगा। फिक्सिंग से जैसे ही ये सेंसर को इतना क्रॉस करके इतना पेपर ऊपर आता है, तुरंत पेपर जाम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करने का, यहां का सेंसर क्लीन करने का, ये सेंसर आपको दिख रहा है, ये सेंसर आपको क्लीन करना है। आप इसे आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं, कभी भी सेंसर क्लीन करना है तो उसे किसी थीनर अल्कोहल या किसी चीज से ऐसा न धो जो स्पिरिट कहा जाए, आप कॉमनली इसे पानी शैम्पू से क्लीन करके अच्छे से सुखा के लगा सकते हो, आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर मार के भी इसे सुखा सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है कुछ लोगों का, वो पूछते हैं सर एग्जैक्टली मैंने ऐसे लास्ट मंथ में मुझे 2-3 कॉल आए कि सर मेरा फिल्म फट जाता है, ये हो जाता है। तो सर इसका एग्जैक्टली रीजन होता है आपका ये रोलर, ठीक है, ये रोलर प्रॉपर मूव होना चाहिए। अगर कभी कभी रोलर चिपचिपा हो जाएगा या खराब हो जाएगा, मतलब ऐसा पुश करो तो वो दबने लगे, तो उस कंडीशन का मतलब क्या है, आपका लोअर रोलर खराब हो गया, ठीक है। और लोअर रोलर खराब हो गया तो उसका क्या रीजन है भाई, बहुत टाइम हो गया, हो गया है काम उसका, चेंज करो, ठीक है। एग्जैक्टली लोअर रोलर का भी जो काम है बहुत बड़ा रहता है। अगर लोअर रोलर भी खराब हो गया है तो आपका फिल्म बार बार फटेगा, बैरिंग भी खराब हो गया। अगर मेन चीज तो ये होता है, अगर आपका रोलर बार बार आपको ये कर रहा है कि आपका फिल्म फट जाता है वन साइड में, तो ये बैरिंग और कैप चेंज करो, ठीक है। ये बैरिंग और कैप चेंज कर दोगे तो आपका ये इशू परमानेंटली निकल जाएगा, ये गियर निकाल देने का, ये प्रॉपर निकल जाएगा, ये इसका ये निकाल देंगे, उसके बाद ये गियर आउट, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्टली उठा लीजिए, इसको भी इजिली पुश करके, ये आपका रोलर। ये कैप और बैरिंग भी खराब हो जाता है तो ऐसा इशू होता है, ये घिस जाता है तो भी खराब होता है, ध्यान देने का। अगर ये ज्यादा टाइम है, ज्यादा घिस गया हो तो भी चेंज करने का लोअर रोलर को। ये लास्ट के स्टेप जो रहते हैं, ये थोड़ा चलते चलते घिस जाते हैं तो भी ये वन साइड दब जाता है, जिसके कारण फिल्म वन साइड आके फट जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपके इनके कारण आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसका प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस यूनिट। और ये हीटर यूनिट सिर्फ एक ही मशीन का नहीं, ये अब मैं उन मशीनों का नाम लूंगा जिनमें ऐसा सेम रहता है, ठीक है। खोलने का प्रोसीजर अगर हम बात करें 2525 की, ओके फाइन, ये भी है 2270 2870 3030 3045 3035, उसके बाद 4570 3075, और दैट्स मीन हम डिजिटल मशीनों का जो मॉडल है वो जैसा दिखता है उस तरह की सारी मशीनों में ऐसे ही है, ठीक है। एडवांस में भी, अगर एडवांस कैनन की बातें करें तो उसमें भी ऐसा हीटर है, बस उसके कुछ स्क्रू अलग तरीके, मॉडल अलग तरीके का है। उन मॉडल के स्क्रूज खोलो, उसे निकालो, क्लियरली हो जाएगा। अगर 2525 की बात करो, उसके जैसा ही एडवांस मशीनों का हीटर यूनिट है, ओके?